वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप देखेंगे नाउंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये पिक्चर बता रही हूँ, चीज़ें इससे एसोसिएट करने के लिए देखूँगी ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे। तो हम देखते हैं पहला स्टेप नाउंस क्या है। तब बच्चा पैदा होता है तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चों को नाम रखेंगे, सही। तो इंग्लिश ग्रामर में भी हमें वही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे। किनको नाम देंगे, हम नाम देंगे पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। ए लेवल वन का डेफिनेशन है नाउंस का। इसमें और थोड़े चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि इवेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेवल ग्रामर में देखेंगे। ये तो बिगिनर लेवल ग्रामर है, तो मैं डेफिनेशन नाउन का यही बताऊंगी। नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि पीपल देख रहे हैं आपको, ये प्लेस है ज़ू। तो थिंग्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत लाइट्स, छोटा सा हट और जानवर, ये सारी चीज़ें इस पिक्चर में मौजूद है। तो हम इसको नाम देना ही है नाउंस का मतलब। नाउंस आर वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। सो सिंपल डेफिनेशन, नेम गिवन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स को ही हम नाउंस बोलते हैं। बाय डेफिनेशन नाउंस दो तरह के डिवाइड हुए, वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। और भी बेस पे नाउंस डिवाइड हुए है, जैसा अगर क्वांटिटी लेते हो तो उस पे बेस पे भी नाउंस डिवाइड हुए है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउंस, वो हम दूसरे वीडियो पे देखेंगे। यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन बोली थी उसके मुताबिक हम टू वेज होने नाउंस को डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रॉपर नाउन है और एक कॉमन नाउन है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि इससे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एक व्यक्ति को, एक प्लेस को या एक थिंग को या एक एनिमल, एक चीज़ की हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके नाम से, इसे स्पेसिफिक नेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। सो स्पेसिफिक आइटम्स एंड दे ऑलवेज शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। मतलब ये प्रॉपर नाउन्स हर हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे, वो जहाँ पे भी है प्रॉपर नाउन, पैराग्राफ में स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, यह हर हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो अब थोड़े हम एग्जांपल्स देखेंगे प्रॉपर नाउन्स क्या है अंडर कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स में। अगर पीपल में देखते हो तो हर एक इंसान का एक नाम रहेगा, जैसा कि डॉक्टर ली, जुबिया, जेद। सो ये सभी इस नाम से एक व्यक्ति एग्जिस्ट है, ये एक जाति को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। अगर आप प्लेसेस में देखेंगे तो चांगी एयरपोर्ट, प्लेसेस के भी थोड़े स्पेसिफिक नेम्स रहेंगे, जैसा कि चांगी एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, स्टार डस्ट प्राइमरी स्कूल। सो ये सभी अंडर कैटेगरी प्लेसेस में आता है। नेक्स्ट अगर आप एनिमल्स में देखेंगे, हम एनिमल्स को भी कभी कभी नेम दिया करते हैं, जैसा कि टॉम, माइना, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट थिंग्स, हमें थोड़े थिंग्स को भी नाम देंगे, जैसा कि अगर गन बोलते हो तो कॉमन नाउन हो जाएगा, अगर उसका नाम है जैसे कि AK-47 तो ये होगा प्रॉपर नाउन। फ़ोन, आईफोन, सैमसंग, फ़ोन कॉमन नाउन है, अगर आप बोलते हो सैमसंग आईफोन, सो ये सभी उसके नेम्स है, तो उसे एक यूनिक ये रहेगा, चीज़ रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो ये है थोड़े एग्जांपल्स प्रॉपर नाउन के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाउन्स आर यूज फॉर प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स, बट ये एक
जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट डजेंट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो जहाँ पे भी आप कॉमन नाउन देखते हैं वो स्मॉल लेटर ही रहेगा, एक्सेप्ट एक जगह है, वो जगह है अगर हमारे कॉमन नाउन से पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो तभी हम कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सभी जगह हमारा कॉमन नाउन हर हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा। ये कॉमन नाउन भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स। तो हम इसके भी थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। अगर पीपल में आते हो तो फादर, मदर, सो ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ना कि एक व्यक्ति का। तो कॉमन नाउन का हिंदी ये है जाति वाचक संज्ञा, मतलब ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर प्लेसेस में देखते हो स्कूल, ऑफिस। एनिमल्स में देखते हो पप्पी, डॉग। थिंग्स जैसा कि सिंक, फ्लैगपोल और रेफ्रिजरेटर। ये है थोड़े कॉमन नाउन के एग्जांपल्स। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलना मत। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत सिंपल सा और समझाने के लिए। मैं यहाँ पे डिफरेंट लेवल के वर्कशीट्स को भी आपको ऐड किया था, तो आप चेक कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।